हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माही की रसोई। तो फ्रेंड, आज हम न्यू रेसिपी के साथ फिर हाजिर हुए हैं। तो फ्रेंड, आज हम बनाने रह जा रहे हैं न्यू मिठाई, जिसका नाम है काजू पिस्ता रोल। तो आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके लिए हमने एक कटोरी पिस्ता लिया है। अब पिस्ता को दो भागों में हम बांट देंगे। एक कटोरी पूरी हम नहीं डालेंगे, इसके जगह पर हम एक कटोरी बादाम लिए हैं। इन्हें हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। आधी कटोरी पिस्ता और अपनी एक कटोरी बादाम, दोनों को ग्राइंड कर देंगे। मिक्सर जार को रुक रुक के मतलब पीसना है इसको अच्छे से। इसमें एक चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे, दो चम्मच चीनी पाउडर ऐड करेंगे, फिर अच्छे से इन्हें पीस लेंगे। पीसने के बाद देखिए तैयार हो गया हमारा पाउडर। इसके बाद हम लेंगे एक कटोरी काजू। काजू को भी हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर फाइन पाउडर बनाएंगे हम इसका, फिर इसे हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। छानने के बाद इसमें जो छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे इसे हम अलग कर देंगे, और हमारा बादाम और पिस्ता का जो पाउडर, इसमें हम एक चम्मच काटा हुआ पिस्ता ऐड करेंगे पाउडर में। फिर अपना लेंगे फूड कलर। फिर इसमें दो से तीन चम्मच दूध ऐड करेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। दूध के ही मदद से हम इन्हें आटे की तरह गूंथ के आटा तैयार कर लेंगे। टांग गूंथ गया है, अब इन्हें हम गोल गोल लोई बना के चेक करेंगे कि हम हमारा जो आटा गुथा हुआ है वो अच्छे से रेडी है कि नहीं। फिर हम अपना काजू पाउडर लेंगे एक कटोरी में, और इसे इसमें हम एक कप चीनी पाउडर डालेंगे। फिर इसमें एक कप मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छे से हम छान लेंगे। छानने के बाद हम इसमें दूध दो दो चम्मच एक एक चम्मच करके डालते हुए इन्हें गूंथेंगे। एक साथ सारा दूध नहीं डालना है, नहीं तो हमारा बैटर गीला भी हो सकता है, और गीला हो भी जाए तो इसमें हम सूखा काजू का पाउडर ऐड करके फिर उसे सूखा कर देंगे। देखिए हमारा आटा सा गूंथ गया है, अब इसमें दो चम्मच हम घी ऐड कर देंगे और अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। हमारा डो रेडी हो गया है फ्रेंड। इन्हें दो भागों में हम डिवाइड कर देंगे, और एक प्लास्टिक का पॉलीथीन लेंगे, सीट के ऊपर घी बटर लगा के हमें फैला लेंगे, और इसके ऊपर अपना आटा का गोल रख देंगे। पहले हाथों से प्रेस करेंगे इसे। प्रेस करने के बाद फिर इसके ऊपर पॉलीथीन डाल के हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे। हाँ, तो इसे बेलन की मदद से हम बेल लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड, रोटी के शेप में हमारा गोल 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 बेल दिए हैं। अब इसका सीट हटा के हम इसे चौकोर आकार देंगे नाइफ की मदद से। फिर इसे हम
बेलन की तरह गोल गोल कर देंगे और फिर चाकू की मदद से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इन्हें हम दोनों हाथों से सेप देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा रेडी हो गया है। ऐसे करते से सारे अपने तैयार हो जाएंगे। फिर काजू की रोटी पे इसे रख के हम रोल कर देंगे। हमें टाइट रोल करना है। फिर हम चाकू से इन्हें हम कट कर देंगे। फिर रोल को लेके, अभी हमारा ये सील नहीं हुआ है तो इसे हम रख के गोल गोल ऐसे बेल देंगे हाथों से, दोनों हाथों से। फिर ये सील हो जाएंगे। ऐसे करके हम अपना चारों रोल कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारे रोल रेडी हो गए हैं, काजू पिस्ता रोल। तो फ्रेंड, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।